बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूँ मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। ईद पर आपका महबूब आकर आपके गले लग जाएगा। ईद महबूब के साथ गुजारना चाहते हैं, अभी अमल करें, 100% इसका जरूरत है। गुज़िश्ता मैंने एक लगाया था कि आपका महबूब आकर आपके गले लग जाएगा, तो एक मैसेज था, कमेंट्स था, उन्होंने कहा कि वो उसको और काम ही क्या है, इसके अलावा कोई चीज़ बता दे, वो अभी भी यही काम करते हैं। बहरहाल, जिससे इंसान को मोहब्बत होती है ज़्यादा उसी के गले लिखना है। और मेरी बीवी के अंदर जो मसाइल है, अल्लाह ताला उनको भी हल फरमाए। अल्लाह ताला आपका मोहब्बत, आपका प्यार आपको नसीब फरमाए। और ईद से पहले और ईद के 3 दिन ये अमल ज़रूर करना है, क्योंकि ईद के 3 दिन होते हैं और तीसरे दिन की असर तक होता है। इस तक आपने करना है, अमल करते रहना है। पहले दिन अगर खुदा न खास्ता उससे आपका मैचअप नहीं होता या बात नहीं होती, फिर दूसरे दिन भी करेगी, 3 दिनों के अंदर अंदर वो आपके पास वापस ज़रूर आएगा और आपके साथ इंशाल्लाह ईद की खुशियां ज़रूर बांटेगा इस अमल के सदके। और इंतहाई आसान भी है, छोटा सा भी है, प्यारा भी है, लेकिन पावरफुल बहुत ज़्यादा अमल है। ईद की खुशियां इंशाल्लाह आपको नसीब हो जाएंगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दुआ ज़रूर कीजिएगा, साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको वक्त मिल सकें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा, और ख़ास इजाज़त के लिए इस वीडियो को जस्ट लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप। अमल पर जाते हैं, पहले दुआ करते हैं। एक दुआ आपने आमीन ज़रूर कहना है, कमेंट में लिखें ज़ुबान में दिल से आमीन कहें। और अगर आप भी अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट लिखिएगा। और जिस अमल को जो आपने करना, मतलब ये आपने करना है, इसके कमेंट में किसी के लिए आप आमीन लिख दें, इंशाल्लाह उस अमल की पावर्टी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी, आपने वजीफ़ा बताया है, बस मैं ये चाहता हूँ मेरी मोहब्बत जल्द से जल्द मेरी हो जाए, और आप दुआ करिएगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत हमेशा के लिए जल्द से जल्द इनकी कर दें, और जो रुकावटें अल्लाह ताला उसको दूर फरमा दें, इनकी मोहब्बत, इनका प्यार इनके नसीब में लिख दें। आपसे भी गुजारिश है, ये अमल आप कीजिए, इस पर आपको ख़ास इजाज़त है। इंशाल्लाह इस अमल के सदके अल्लाह आपकी मोहब्बत को हमेशा के लिए आपके कर देंगे, और आपके नसीब में ये नसीब होता है, जब कोई चीज़ आपके नसीब में लिख दी जाती है फिर वो आपको मिल कर रहती है, चाहे उसमें कोई प्रॉब्लम है, मुश्किल है, पहाड़ जैसी नामुमकिन आता है, जो एक चीज़ लिख दी जा चुकी होती है वो आपके नसीब में ज़रूर होती है। तो इसलिए हमेशा हर दुआ में किया करें और दुआ मांगा करें, या अल्लाह मेरी फ़लाँ मोहब्बत है, मेरी फ़लाँ चीज़, उसको मेरे नसीब के अंदर लिख दे। तो अल्लाह ताला आप सब की, जितने हमारे व्यूवर्स हैं जिनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला सब की मोहब्बत उनके नसीबों के अंदर लिख दे, और इस ईद पर उनकी मोहब्बत के साथ उनको खुशियाँ नसीब फरमा दे। आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ। आपने जो मैंने आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ये आपने इसको ईद से पहले मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ, ताकि ईद से पहले भी आप करें, ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन भी आप करें, 3 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा। हर रोज़ आपने कम से कम 500 मरतबा ये पढ़ना है, 500 टाइम आपने इसको पढ़ना है, और अव्वल आखिर एक तस्बीह दूसरी पढ़नी है। कोई से भी दूसरी पढ़ सकते हैं, दुरूद इब्राहिमी पढ़ सकते हैं जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्म बारिक अला मुहम्मद वाला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम वाला आल इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आपने ये पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, या रहमान दुनिया व रहीमहुमा। इतना सा आपने पढ़ना, कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। या रहमान दुनिया व रहीमहुमा ये पढ़ना है। पढ़ने के बाद अल्लाह ताला के हुजूर आपने हाथ उठाने या दुआ करनी है, इंशाल्लाहुल अज़ीज़ इस 3 ईद के दिनों के अंदर अंदर आपकी मोहब्बत आपके पास वापस ज़रूर लौट आएगी। जितनी प्रॉब्लम, जितनी मुश्किलात, जितनी गलतफहमियाँ, जितनी मिसअंडरस्टैंडिंग, जितना यहाँ तक कह दियो कि अब हमारा तुम्हारा गुजारा नहीं है, वो भी इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। ज़रूर अमल कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।